हाय एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज बनाएंगे तड़का यानी कि छिलके वाली मूंग दाल। इसका कुछ वेरिएशन भी दिखाऊंगी, कुछ एग तड़का और प्लेन तड़का भी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले छिलके वाली मूंग दाल 2 कटोरी, आधा कटोरी अरहर दाल और आधा कटोरी मसूर के दाल को एक रात भिगो के रखेंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर में दुगना पानी डाल के 2 व्हिसल तक इसको बॉयल करेंगे। दाल बॉयल हो गई है, इसमें कोई नमक मैंने नहीं डाला था। इसको बनाने के लिए जो मसाला चाहिए वो है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, फ्रेश टमाटर का पेस्ट, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, सूखी मिर्च पाउडर और हल्दी। इसमें प्याज थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसके लिए 2 बड़े साइज़ का प्याज टुकड़ों में कटा हुआ, 2 टमाटर डाइस में कटा हुआ और ढेर सारा हरी मिर्ची चाहिए। और चाहिए कसूरी मेथी और दालचीनी, हींग भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दाल को बॉईल कर लिया है, इसके बाद हम लोग इसका तड़का देंगे। उसके लिए मैंने घी यूज़ की है, आप तेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है। हाँ, इस रेसिपी में तेल और घी थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तेल गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा नमक डाल के धीरे धीरे धीमी आंच में भूनेंगे, थोड़ा ब्राउन करेंगे प्याज को। उसके बाद ही इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बीच बीच में प्याज को थोड़ा हिला देंगे, नहीं तो कुछ प्याज कच्चा रह जाएगा, कुछ प्याज जल जाएगा। ये देखिए प्याज तैयार हो गया है। इसमें 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और डालेंगे ढेर सारा हरी मिर्ची। तीखा अपने हिसाब से डालना, लेकिन ये दाल थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है हरी मिर्ची। मसाला थोड़ा सा भुनने के बाद उसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी थोड़ा सा मिलाएंगे। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद उसमें 2 टीस्पून अदरक डालेंगे। उसके बाद मसाले को फिर से भुनेंगे। अभी डालेंगे फ्रेश टमाटर प्यूरी। ये कुछ नहीं है, टमाटर को सीधा मिक्सी में घुमा लिया है। इसमें 2 बड़े टमाटर। टमाटर डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, क्योंकि पहले हम लोगों ने इसमें बहुत सारा हरी मिर्ची भी डाली हुई है। जो जितना तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालना। उसके बाद थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, नहीं तो ये सूखे मसाले कभी कभी जल जाते हैं। और मसाले को फिर से अच्छे से भूनेंगे। पूरा तेल मसाले से निकल के अलग हो जाएगा, तब तक मसाले को भूनना है। हमने करीब 5 से 7 मिनट तक मसाले को धीमी आंच में ऐसे हिला हिला के भून लिया है। मसाला भी तैयार हो गया है, इसमें से तेल पूरा निकल के आ गया है। अभी इसमें दाल डाल देंगे। अभी बॉईल किया हुआ दाल डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। और बॉईल आने के बाद इसको ढक के धीमी आंच में छोड़ देंगे, तो फिर दाल के अंदर भी सारे मसाले का स्मेल और टेस्ट आ जाएगा। तड़का ऑलमोस्ट रेडी है, अभी इसमें थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे नमक ठीक है कि नहीं। अगर नमक चाहिए तो और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अभी थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालेंगे। अगर कसूरी मेथी ना दे तो शुरुआत में ही घी में थोड़ा सा मेथी के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी डालने से एक अलग ही अच्छी सी खुशबू आती है।
तड़का बन गई है, इसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच में उबालेंगे तो पूरा तेल ऊपर आ जाएगा, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। बन गई है हमारी तड़का। ये छिलके वाली मूंग दाल और तड़का खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसको रोटी के साथ ऐसे ही खाया जा सकता है, लेकिन इसको पाव के साथ भी बहुत अच्छे से सर्व किया जा सकता है। पाव के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। पाव के साथ खाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा मक्खन लिया है। मक्खन गर्म होने के बाद उसमें बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन और थोड़ी सी हींग डाला। थोड़ी देर मसाले को भूनने के बाद उसमें वो बनी हुई तड़का डाल दिया, यानी कि छिलके वाली मूंग दाल जो बन गया था वो थोड़ी सी डाल दी और इसको पाव के साथ सर्व किया। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और पाव के साथ सर्व करने से पहले पाव को भी थोड़ा सा बटर से ज़रूर टोस्ट कर लेना, यानी कि गरम कर लेना। हाँ, ढेर सारा बटर है इसमें, लेकिन टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। एक बार ट्राई कर सकते हो, कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये छिलके वाली मूंग दाल बंगाल में तड़का नाम से फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस है एक तड़का। उसको बनाने के लिए कोई भी वेजिटेबल ऑयल थोड़ा सा लेंगे, उसमें हींग और दालचीनी डालेंगे, अदरक और लहसुन बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हिला के इसके अंदर एक अंडा यानी कि एग फोड़ के डाल देंगे और उसका भुर्जी बना लेंगे। अंडे के ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। अंडे का भुर्जी बना के थोड़ी देर भुनने के बाद उसमें डाल देंगे बनी हुई तड़का और उसको मिला लेंगे। तो रेडी है हमारी एक तड़का। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और बंगाल में तो बहुत फेमस है। अभी जब बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं तो घर में ये आसानी से बन सकता है। बहुत ही टेस्टी है और बाहर के खाने को अच्छे से टक्कर दे सकता है। ये है प्लेन तड़का। इसको थोड़ा सा प्याज के जुलियन के साथ सर्व किया। ये है तड़का जो पाव के साथ सर्व किया और विनीगर में भीगा हुआ प्याज के साथ, और ये है एक तड़का। गरम गरम रोटी के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ट्राई करके देखना, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये मेरी बहुत पसंदीदा रेसिपीज़ में से एक है। रोटी के साथ ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर जो रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ क्लिक ऑन बेल बटन और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर देना।